प्यारे मित्रों, यदि आप कर रहे हैं शिक्षक वर्ग दो की तैयारी और अभी तक आपने अपने गूगल प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डाउनलोड कीजिए। शिक्षक वर्ग दो के लिए आपके प्रिय सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान, बच्चों सब्जेक्टों की आराम से बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट लगा सकते हो और अपने घर बैठे अपनी तैयारी को सुस्पष्ट कर सकते हो, सुनिश्चित कर सकते हो। पूरे प्रदेश में सभी अतिथि जो शिक्षकगण जो यहाँ पर लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज, उनके साथ अपना जो है आंकलन कर सकते हो कि कितनी मुझे और अच्छी तैयारी करनी है अभी बाकी हुए समय में। तो यहाँ आज ही जिसको डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदे तो हमारे इस प्रोमो कोड को जरूर यूज कीजिएगा जो है राम MMGO V40। इसके माध्यम से 40% तक की आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये अंतिम अवसर है आपकी तैयारी का, तो आज ही डाउनलोड कीजिए एमपी परीक्षा को अपने मोबाइल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, दोस्तों आपको पता होगा जैसा कि आप ऊपर देख चुके हो कि शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो में क्या कितना परसेंट मिलेगा आरक्षण, क्या आरक्षण की प्रक्रिया रहेगी। दोस्तों, क्योंकि अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में राजपत्र जारी कर दिया है, जो राजपत्र जो 26 तारीख को जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि आरक्षित वर्गों के लिए 5% तक की यहाँ पर छूट मिलनी है। किस प्रकार से छूट मिलनी है, क्या रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग एक यहाँ पर हो चुकी है, शिक्षक भर्ती वर्ग दो के भी कम से कम 50% एग्जाम हो चुके थे और उन्होंने मध्य में ये जारी किया है 5% तक का जो राजपत्र था उसमें कहा था। तो क्या सही है, क्या इसकी सच्चाई है, दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम नंबर वाले खुद को मार रहे हैं क्वालिफाई, क्या जानकारी है देखिए। दोस्तों, रामभान जी राजपूत जी उन्होंने भेजा डीडी स्टार इंदौर से। तो वर्ग एक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सामान्य और आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों ने पीजी और ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन अंक का नियम है, यानी ऐसे उम्मीदवार जो इन परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं उनका 45 से 50% अंकों के साथ पीजी होना जरूरी है। जनजातीय विभाग ने इसमें एसटी एससी और ओबीसी के लिए 5% की छूट दे दी है, यानी 45 नंबर से कम अंकों वाली डिग्री लेने वाले भी इसका हिस्सा बन सकेंगे, ऐसा कहना है। दोस्तों, आगे आवेदक का छूट यह अर्थ निकाल रहे हैं, जो आवेदक को छूट मिल रही है उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने का समय और भाषा की कारण भ्रम फैल रहा है। असल में विभाग ने छूट की अधिसूचना तब जारी की जब वर्ग एक की सभी परीक्षाएं हो चुकी थी। आवेदकों को यह भ्रम हुआ है कि छूट क्वालिफाई अंकों में मिली है और सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक लाना जरूरी है। एसटी एससी और ओबीसी वर्ग के लिए यह सीमा 50% है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 90 अंक का क्वालिफाई माने जाते हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के आवेदक 75 अंक क्वालिफाई होते हैं और आरक्षित वर्ग के आवेदक यह समझ रहे हैं कि यदि 75 में से कम आए तो वे उन्हें क्वालिफाई मान लिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। शैक्षणिक योग्यता पर अब छूट देने का क्या मतलब, जनजातीय विभाग ने अब भले ही आरक्षित वर्ग के लिए आवेदकों के लिए शैक्षणिक योग्यता छूट दे दी हो लेकिन अब इनका कोई औचित्य नहीं है। वजह यह है कि वर्ग एक की परीक्षा खत्म हो चुकी है, आवेदक पहले ही भरे जा चुके हैं, आवेदन जो है पहले ही भरे जा चुके हैं, यानी आवेदन चाहे भी तो अब ये छूट का फायदा नहीं ले सकते। इसलिए आवेदकों को इसे लेकर निराशा के साथ घोर नाराजगी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी इसे गलत बता रहे हैं। छूट मिलने जो यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ लिखा हुआ है कि छूट पहले मिलती तो दे पाते परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता के आयताकारी अंकों में 5% की छूट मिलने के बाद हम इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो गए। यदि यह छूट पहले मिलती तो हम भी इस परीक्षा में बैठ पाते। अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रदेश भर में आरक्षित आवेदक परीक्षा से वंचित हो गए। विलोद कैलारस जो है राहुल खंगार रूपाली अहरवाल आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। सिर्फ आरक्षित वर्ग को छूट देना गलत है। जनजातीय विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है यह जो वह परीक्षा में पास होने वाले अंकों में छूट से संबंधित है। हमने हर स्तर पर इसका अध्ययन किया है। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्रों से जुड़ी कई गलतियां हुई हैं और यही वजह है कि किसी भी वर्ग के आवेदक के पास होने के लायक अंक नहीं ला पाए, मतलब इसके पास होने तक लायक जो है अंक नहीं ला पाए। ऐसे में सिर्फ आरक्षित वर्ग के आवेदकों को 5% अंक छूट देना गलत है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। मंजनी जो है तिवारी, प्राची शर्मा और नम्रता श्रीवास्तव सामान्य वर्ग के आवेदक हैं, उनका कहना है जो ये छूट दी उन्होंने कोई भी पास जो है लायक अंक नहीं ला पाए और उनको छूट दे के आप वहाँ पर क्वालिफाई मान रहे हो। परीक्षा में शामिल होने के लिए दी छूट, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा के लिए जो शैक्षणिक की योग्यता तय की गई थी उसके आयताकारी अंकों में आरक्षित वर्ग को 5% की छूट दी गई है। यह छूट अगस्त के विज्ञापन के बाद जारी की जानी थी लेकिन आचार संहिता लग जाने से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हमने छूट दिए जाने की अधिसूचना जारी की है। किसी भी वर्ग के आवेदक इस अधिसूचना को लेकर भ्रमित ना हो, दीपाली रस्तोगी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, ये दीपाली रस्तोगी जी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है पहले जारी होनी थी लेकिन
जो है आचार संहिता लगने के बाद नहीं हो पाए। अब छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। क्या है पूरा? उच्च माध्यमिक शिक्षक के परीक्षा के विज्ञापन में आरक्षित वर्गों की आयताकारी छूट का जिक्र नहीं किया गया था। हमने स्कूल और शिक्षा विभाग के लिखित आदेश के बाद विज्ञापन जारी किया है। हमने कहा था कि छूट संबंधी जानकारी के बाद जो छूट संबंधी जानकारी बाद में दी जाएगी। तब से अभी तक का हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। जनजाति विभाग की 5% छूट संबंधी अधिसूचना के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। अब इसका औचित्य भी नहीं है क्योंकि परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आप यहां देख पाएंगे एस के भदौरिया जी, परीक्षा निरंतर मध्य प्रदेश शासन में होने वाली पीबी। इनका कहना है साफ साफ कि परीक्षा की बोझ है, परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। अब जो है राजपत्र जारी करने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी इसका लिहाजा नहीं निकलेगा, कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ऐसा कहना है एस के भदौरिया जी का। तो जो ये छूट मिलनी है 5% तक दोस्तों, इसको अभी भी ये बीच में अटका हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा इसका वास्तविकता है या नहीं है, क्योंकि ये जो लागू की गई है वो मध्य में जारी की गई। वर्ग एक के तो एग्जाम कंप्लीट हो चुके, तो उनको इससे आरक्षण मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वर्ग दो में मध्य में ये जारी किया गया राजपत्र, तो हो सकता है कि इसका कुछ लाभ इनको मिल जाए आगे वाले अभ्यर्थियों को। तो इसका लिहाजा जो करेगी वो सरकार करेगी, किस तरीके से इनको छूट मिलना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या सरकार का इसके ऊपर से फैसला आता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो जाते जाते यदि आपने नीचे का रेड कलर के बटन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो वर्ग एक और वर्ग दो के एग्जाम दे रहे हैं मेरे सभी मित्रों के साथ में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।